नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जबलपुर से चलकर नई दिल्ली जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस पटरी से फ्रैक्चर हो जाने से दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। रेल ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन को रोक दिया गया। घटना डबरा से ग्वालियर के बीच अनंतपेट की थी। इसके बाद ट्रेन की धीमी गति से निकाला गया। ट्रैक के मरम्मत का काम जारी है। और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता गुरुवार सुबह 11 बजे रीगल तिराहे पर जमा हुए और जमकर प्रदर्शन किया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहां पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कल से ही व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदर्शन में शामिल होने के मैसेज चल रहे थे, जबकि महासभा के प्रवक्ता सावन सोनी ने कहा था कि वे सिर्फ ज्ञापन देंगे, भीड़ नहीं जटाएंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को रीगल पर हुए प्रदर्शन और तोड़फोड़ को लेकर बुधवार को सीएम ने गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट पर बैठक ली थी और इस घटना के लिए इंदौर पुलिस की नाकामी बताई थी। और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पर गांधी चौक पर बुधवार शाम दो लोगों के बीच हुए विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई। इससे आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई, दुकानें बंद हो गईं। पुलिस के अनुसार शेख असलम व सत्तार पिता अजगर के बीच विवाद हो गया। उसे छुड़ाने शराफत और पहुंचा। चाकूबाजी में शराफत को हाथ व सत्तार को कमर में चोटें आईं। इसी बीच गांधी चौक क्षेत्र की दुकानें बंद होना शुरू हो गईं। बाद में अफवाह फैलने पर बस स्टैंड क्षेत्र की दुकानें भी बंद हो गईं। इन्हें पुलिस ने बाद में खुलवा दिया। और मध्य प्रदेश में ई चालान केवल भोपाल शहर में बन रहे हैं। इंदौर में ई चालान बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, ये कहना है गृह मंत्री बाबूलाल गौर का। जबकि हकीकत यह है कि इंदौर शहर में 1 लाख से ज्यादा ई चालान पुलिस बना चुकी है। बुधवार को सांवेर विधायक राजेश सोनकर ने गृह मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश के किन किन शहरों में ई चालान बनाए जा रहे हैं और ई चालान से कितना दंड राशि वसूल की गई है, इसका इस्तेमाल पुलिस ने किन किन कार्यों में किया है। इसके लिखित जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि भोपाल में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई चालान की कार्रवाई की जा रही है, इंदौर में ई चालान की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब बहुचर्चित कविता रैना हत्याकांड का खुलासा बुधवार शाम को हो गया। 107 दिन बाद पुलिस हत्या के आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी कविता के घर के पास पत्नी के साथ मिलकर बुटीक चलाने वाला शख्स है। वह सूट देने के बहाने कविता को दोस्त के एक फ्लैट पर ले गया। वह फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करना चाहता था। कविता नहीं मानी तो उसने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और हत्या कर दी। फिर 2 घंटे तक बड़े चाकू से शव के 6 टुकड़े कर नाले में फेंक दिया। आरोपी इतना शातिर था कि वह लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। और वहीं अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी महेश बैरागी के पकड़ाने के बाद पति संजय काफी खुश है, लेकिन उन्होंने मांग की है कि हत्यारे का बीच चौराहे पर फांसी की सजा दे देनी चाहिए। संजय ने बताया कि शाम को उन्हें मीडिया से इस बात की जानकारी मिली। बाद में पुलिस के अधिकारी उन्होंने फोन कर बताया कि उन्होंने उसकी पत्नी के हत्यारे को पकड़ लिया है। कुछ देर बाद ही समाज के लोग और रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए थे। यात्री बसों से सही समय से गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए परिवहन विभाग बसों के आने जाने के समय में नए सिरे से बदलाव कर रहा है। यह बात परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को प्रशासन एकेडमी में विभाग की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने सभी आरटीओ को निर्देश दिए कि पहले सड़कें खराब थीं, बसें भी अच्छी नहीं थीं, इसीलिए बसों के आने जाने में ज्यादा समय लगता है। अब ऐसी स्थिति नहीं है, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं और बसें भी नए मॉडल की आ रही हैं। अब बड़वानी विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने गृह मंत्री बाबूलाल गौर से सवाल किया था कि पेटलावद ब्लास्ट में कुल कितने आरोपी हैं, फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शासन क्या कार्रवाई कर रहा है। इस पर गृह मंत्री ने लिखित जवाब में जानकारी दी कि ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनमें से धर्मेंद्र पिता रामसिंह राठौर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि राजेंद्र पिता शांतिलाल कांसवा अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए इनाम भी घोषित किया गया है। इसके अलावा कांसवा के परिजन का नार्को टेस्ट भी करवाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। बच्चन ने कहा कि गृह मंत्री के जवाब से सरकार की नियत और मंशा दोनों ही स्पष्ट है। जब ब्लास्ट के 3 घंटे बाद लोगों ने कांसवा को गाड़ी पर बैठकर जाते देखा तो फिर किस आधार पर उसे मृत घोषित किया गया। और सूबे के भोपाल और इंदौर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की सूचनाओं को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मुख्य सचिव एंटोनी डिसा और डीजीपी सुरेंद्र सिंह और इंटेलिजेंस एडीजी सरबजीत सिंह को तलब किया। मंगलवार को इंदौर में हुई घटना पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर सड़कों पर आ गए, हम इसका अनुमान तक नहीं लगा पाए, ये एक तरह से सिस्टम की नाकामी ही है। उन्होंने पुलिस अफसरों को हिदायत दी कि इस तरह की घटना फिर ना हो, इसके लिए सभी संवेदनशील स्थानों और धार्मिक बैठकों और जमावड़ों पर निगाह रखें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।